So this video is about Ashtak Varg, and Ashtak Varg is one of the most important and crucial concepts in astrology. Ashtak Varg आपको direct results show करता है, quality of results show करता है, और आपके birth chart को properly analyze करने के लिए सबसे crucial चीज़ बन जाता है Ashtak Varg. So Ashtak Varg पॉइंट्स एलोकेटेड होते हैं अष्टक वर्ग में. देर आर 8 डिविजन ऑफ वन हाउस, 8 डिविजन करके, जिसमें राहु केतु को इंक्लूड नहीं करते हैं एंड लग्न को इंक्लूड करते हैं, ऑफ टोटल 8 डिविजन करते हैं, और उन डिविजन के बेसिस पे हम पॉइंट्स एलोकेट करते हैं. पॉइंट्स एलोकेट करने के बाद उसका भिन्नाष्टक वर्ग बनाते हैं. बट ये वीडियो जो है अभी अष्टक वर्ग से रिलेटेड रहेगी, मैं भिन्नाष्टक वर्ग पे डिस्कशन नहीं करूँगा. सो भिन्नाष्टक वर्ग 8 प्लैनेट्स की 7 प्लैनेट्स प्लस लग्न, इनकी अलग अलग भिन्नाष्टक वर्ग बनती है, तो वो आने वाले सीरीज में करूँगा. बट अभी हमें अष्टक वर्ग को समझना इम्पॉर्टेंट है. सो अष्टक वर्ग में एक चार्ट होता है जहाँ पे आपको पॉइंट्स एलोकेटेड होते हैं. जैसे जैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं, वो एक प्लेस को, एक हाउस को पॉइंट्स, सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स एलोकेट करते हैं. इन पॉइंट्स को कैसे एलोकेट किया जाता है, इसका कैलकुलेशन भी मैं आपको नहीं डिस्कस करूंगा, बिकॉज बुक्स अवेलेबल हैं, आप वहां से सीख सकते हैं. क्रूशियल चीज़ ये बन जाती है कि जब आप इन पॉइंट्स को जोड़िएगा तो देयर आर ऑफ टोटल 337 पॉइंट्स बनते हैं, जिसमें से आपको अगर एक हाउस की पॉइंट्स को जोड़ा जाए तो कभी 25, किसी हाउस को 33, किसी हाउस को 30, किसी में 19, किसी में 18, और किसी किसी में 15 पॉइंट्स तक बनते हैं. बट इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अष्टक वर्ग जो है ये आपके हाउसेस की क्वालिटी को शो करता है. सिंपल इस बात को आपको याद रखना है कि अष्टक वर्ग जो है वो आपके हाउसेस की क्वालिटी को शो करता है. जो 25 पॉइंट्स आपको मिले हैं, जो 15 पॉइंट्स मिले हैं आपको, 19 पॉइंट्स मिले हैं, ये आपके हाउसेस की क्वालिटी है. फॉर एग्जांपल, आपके 11th हाउस को 33 मार्क्स मिला है और 2nd हाउस को 15 मार्क्स मिला है, मतलब 11वां स्थान आप कमा बहुत अच्छे जगह से रहे हो, फ्रेंड सर्किल आपकी बहुत अच्छी है, दूसरा स्थान बचा कम रहे हो, सेविंग्स आपके कुछ है ही नहीं, पोजीशंस भी आपके लो हैं. मतलब सपोज आप 2 लाख कमाते हो, 11th हाउस 33 मींस आप 2 लाख कमा रहे हो, और 2nd हाउस 15 मार्क्स मींस कि आप 10 रुपए का सामान भी नहीं खरीद के बचा पा रहे हो. मिक्सी है तो टूटा हुआ है, कपड़े हैं फटे हुए हैं, एंड यू आर कंफर्टेबल विद इट. क्यों? क्योंकि अष्टक वर्ग में आपके पॉइंट्स कम हैं. सपोज आपका 10th हाउस में 23 मार्क्स है और 11th में 41 मार्क्स है, तो आप काम कम कर रहे हो और कमा ज़्यादा रहे हो. ये क्वालिटी है, सिंपल है. आपको अष्टक वर्ग में क्वालिटीज़ देखनी होती हैं आपके हाउसेस की, और ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगा या क्लियर नहीं होगा जब तक आपको हाउसेस क्लियर नहीं होंगे. तो पहली चीज़ तो आपको क्लियर रखनी है कि ये क्वालिटी है. दूसरी चीज़, इसको देखना आपको रिलेटिवली है, आप सिंगल हाउस को नहीं देख सकते. फॉर एग्जाम्पल, आपके 7th हाउस में सपोज 25 मार्क्स मिला है और आपको 1st हाउस में 33 मार्क्स मिला है, मतलब आपके जो एसोसिएशंस हैं, आपकी जो बॉन्डिंग है लोगों के साथ, वो 25 मार्क्स की है, बट आपके खुद के साथ जो बॉन्डिंग है वो 33 मार्क्स की है. आप खुद को ज़्यादा वैल्यू करते हो ओवर द पीपल. बट यही अगर 7th में 33 मार्क्स है और 1st में 25 मार्क्स है, तो आप रिलेशंस को ज़्यादा वैल्यू करते हो, अपने आप को कम वैल्यू करते हो. आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी है लोगों से और आप अपने से कम बॉन्डेड हो. तो लोग जनरली कहते हैं कि 7th हाउस में ज़्यादा मार्क्स मिलने का मतलब है यू विल मेक रिलेशंस विथ बिगर पीपल, विथ पीपल ऑफ हाई स्टैंडिंग्स. ये रॉन्ग है. आपकी लोगों के साथ बॉन्डिंग कैसी है, उस बॉन्डिंग का क्लैरिफिकेशन है 33 मार्क्स 7th हाउस में. क्वालिटी चेक की जाती है, क्वांटिटी नहीं चेक की जाती है. ऑफ टोटल नंबर ऑफ मार्क्स किसी भी हाउस की क्वालिटी बताती है, और इसको आप अकेले नहीं देख सकते. फॉर एग्जांपल, 9th हाउस में 25 मार्क्स है, मेक्स नो सेंस. 9th हाउस इज 9th हाउस फ्रॉम 1st हाउस, 9th हाउस इज 3rd हाउस फ्रॉम 7th हाउस.
सो अगर 9th हाउस को 33 मार्क्स मिले हैं तो सामने वाला 7th हाउस जो जिस आदमी से आप रिलेटेड हो वो ज़्यादा महंगे क्वेश्चंस पूछेगा, वो ज़्यादा तगड़े क्वेश्चंस पूछेगा आपसे। 9th का मतलब है आप आंसर्स भी तगड़े दोगे। तो हमेशा याद रखना कि अष्टक वर्ग में जो पॉइंट्स एलोकेटेड हैं हाउस को वो रिलेटिव हैं। अगर मैं 4th हाउस में 23 मार्क्स बोल रहा हूँ तो 4th हाउस इज 4th हाउस फ्रॉम 1st हाउस। अगर आपको इस बात 4th हाउस को आप ऐसे भी देख सकते हो 7th से 10th का मतलब व्हाट आर पीपल फिनिशिंग अप, व्हाट आर पीपल रिकॉर्डिंग, व्हाट आर पीपल वेयर आर दे स्टेइंग, कहाँ पे लोग शांत हैं। तो आपको रिलेटिवली एनालाइज करना है अपने बर्थ चार्ट को या फिर किसी के भी बर्थ चार्ट को। अष्टक वर्ग जो है वो क्वालिटी शो करता है जो कि कंपेरेबल होती है। जब आप 5th हाउस बोल रहे हो तो 5th हाउस 1st से 5th है बट 4th से 2nd है। तो 5th हाउस में 33 मार्क्स का मतलब है आपकी जो मम्मी है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल पोजिशंस रखती हैं। नेकलेस का शौक होगा, साड़ी अच्छा पहनने का शौक होगा, खाना अच्छा खाएंगी। बट यहीं आपका आपके सेकेंड हाउस में कम पॉइंट्स होने की वजह से आपका सेकेंड मतलब मम्मी का 11th, 4th से 11th होता है सेकेंड हाउस आपका। तो अगर मान लो आपको 23 मार्क्स मिले हैं सेकेंड हाउस में तो आपके पास कपड़े नहीं होंगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे बचे होंगे, आप अच्छा खाना भी नहीं खाओगे। लेकिन आपकी जो मम्मी होगी उनका 11th हाउस वीक है तो उनके दोस्त अच्छे नहीं होंगे, उनकी अर्निंग्स अच्छी नहीं होगी, उनकी क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स साफ बेकार है लेकिन पोजीशंस बढ़िया हैं क्योंकि 5th हाउस में 33 है। उनकी पोजीशंस बढ़िया है, आपका 5th हाउस में 33 बढ़िया है, तो आप किसी भी काम को बहुत ही डेडिकेशन के साथ कमिटमेंट के साथ करते हो। 5th हाउस इज़ कमिटमेंट। सो आपको एनालाइज करने से पहले ये रिलेशन याद रखना है। और दूसरी चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि अष्टक वर्ग क्वालिटी ऑफ हाउसेस शो करता है, किसी भी हाउस की क्वालिटी बताता है और ये हाउस रिलेटिव है। 5th हाउस इज 5th फ्रॉम 1st नॉट फ्रॉम 4th, 4th से 2nd हो जाएगा। तो रिलेशनल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अष्टक वर्ग की। दिस इज माई एनालिसिस फॉर अष्टक वर्ग। फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।